क्या अभी बंद करो उधर थोड़ा चलो रोल रोल स्टार्ट स्टार्ट क्वेश्चन पूछो भाई बंद कर दो आप यहां पे आए हुए हैं लड़ेंगे रुको रुको बंद करिए जिस प्रोग्राम में आप आए हुए उसके बारे में क्या कहना चाहोगे इस प्रोग्राम के आगामी नवी मुंबई महापालिका की विजय हो गए इस निर्णय के लिए हम एक साथ लड़ेंगे जो धनपेक्षक पक्ष है जो गोदामी गरीब और सभी आवाज़ एक करने वाले हम सब लोग हैं हम उनके साथ हैं और उनको खड़ा करके हम इधर हमारी ताकत दिखा देंगे की देखा गया है कि दिल्ली में हमारे किसान भाई काफ़ी शहीद हुए हैं और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है 80 दिन के ऊपर हो चुका है लेकिन अभी तक मोदी जी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली है और सांसद में वो रोने की बात करते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अभी उसके बारे में बोल बोल के हम थक गए 80 दिन हो गए परसों हमने 50,000 लोग आजाद मैदान में 3 दिन लाए थे आपको मालूम है और उसके बारे में बात करने का कल दिखाया कि आंदोलन करके ही वो एक धंधा हो गया है सब उन्हें ये देश जो आंदोलन करके गांधी जी के मार्ग पे हम स्वतंत्र मिला है इस जो पार्टी के वो अभी प्रधान है इस पार्टी ने भी आवाज़ उठाया आने बानी के बारे में कांग्रेस के राज में वो भी आंदोलन करके उठाया था मेरे को समझ में नहीं आज कैसा ये चेंज हो गया इनकी विचारधारा मेरे को समझ में नहीं आ रही सर विशेषतः कोणत्या मुद्द्यांना घेऊन या नवी मुंबईची निवडणूक लढवली जाणार मराठी अच्छा या नवी मुंबई विकास आघाडीच्या कार्यक्रमात मी आताच जाहीर केलं की या ठिकाणी जो करोना आलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी आरोग्याची सुविधा नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून इथे होत नाही आहे ती पहिल्यांदा करण्याची गोष्ट आम्ही करतो आहे जे दारिद्र्यखालच्या रेषेखाली खाली लोक आहेत जे गरीब लोक आहेत त्यांना मोफत मोफत आम्ही हॉस्पिटलची सोय करायला मागतोय आणि दुसरी गोष्ट आज नवी मुंबईमध्ये एज्युकेशनचं हब तयार झालेलं आहे पण या हबमध्ये गरिबांना कुठेही संधी नाही गरिबाची मुलं कुठे ॲडमिशन घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे त्या धरतीचंच आम्ही या ठिकाणी हॉस्पिटल काढू नगरपालिका महानगरपालिकेच्या पाठीमागे आणि त्याच्यामध्ये पारदर्शक ठेवू जो खरोखर गरीब आहे त्यालाच तिथे ॲडमिशन दिले जाईल ही भूमिका आम्ही प्रामुख्याने या निवडणुकीने प्रामुख्यानं माझे सहकारी अबू आजिनी कपिल पाटील या ठिकाणी ज्यांनी आंबेडकर साहेब यांनी ज्या भूमिका या ठिकाणी मांडल्या त्याला आम्ही परिपूर्ण या ठिकाणी करू आणि या ठिकाणी जे बजेट आहे केंद्राचा निधी MMRDAचा निधी आणि या ठिकाणी आलेला शिडकोचा निधी याचं पारदर्शक जनतेला कळलं पाहिजे कुठे कुठे निधी वापरला गेला आणि कशासाठी वापरला आणि चौथी गोष्ट या ठिकाणचे स्लम एरिया आहे झोपडपट्टी आहे आणि गावठाण आहे त्याला ज्यादा APSI मिळाला पाहिजे म्हणून विधानसभेमध्ये आम्ही जे या ठिकाणी काम करतो ते निश्चितपणे त्याचा पाठपुरावा करू आणि ज्यांच्याकडे सत्ता आहे जे गेल्या वेळेला जे ज्या वेळेला होते तेव्हा या ठिकाणी BJP आणि सेनेवाले वेगळे बोलत होते त्यांच्या विरोधात बोलत होते त्यातले काही लोक आता BJP बरोबर गेले आता त्यांनाच बरोबर घेऊन पुन्हा या ठिकाणी मतमागाला दोन्ही बाजून येतात त्यांना नैतिक अधिकार या ठिकाणी नाही आहे असं आम्ही म्हणतो आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीची आम्ही चिरफाड आम्ही जनतेपुढे या निवडणुकीत नवी मुंबईमध्ये आणणार आहोत सर जनशक्ती आणि जनशक्तीच्या विरोधातली लढाई आहे कशा पद्धतीने आव्हान असणार येणार काय नाही नाही आम्ही आयुष्यभर धनशक्तीच्या विरोधातच लढत आलो आम्ही इथपर्यंत हाऊसमध्ये गेलो अनेक वर्ष लढत आलो त्याच्यामध्ये काही प्रश्न येणार नाही आहे को लगता नाही अभी कुछ होएगा ऐसा नहीं अबू आजमी सर मेरा सवाल आपसे है कि मोदी और अमित शाह के राज में जो सच बोलता है जो सच लिखता है उसके ऊपर देशद्रोही की कलम लगा दी जाती है और जो सच्चाई है उसको मीडिया चैनल्स के थ्रू दिखाया नहीं जा रहा है इसके बारे में ऐसी जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है जो 2 टर्म में मोदी जी सिलेक्ट हो गया है जब से वो वही कर रहे हैं इस पर आप क्या स्टैंड लेते हैं मोदी जी यहाँ के बहुसंख्यक को बेवकूफ बना रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बेच रहे हैं कहते हैं पेट्रोल 200 रुपया लीटर चलेगा लेकिन क्या ये हिंदू राष्ट्र बना देगा ना ये लोगों को एक गलत फहमी है मोदी जी की नानी याद आ गई सिर्फ 3 कानून जो बनाया ना किसानों का उनकी नानी याद आ गई उनको अब जब कभी ये देश में जो चल कर रहे हैं ना इस देश का जो ये संविधान बदलने की बात करते हैं ना तो मोदी जी के सपना भी अब सपने में भी अभी बात नहीं आएगी
और मोदी जी का आखिरी दिन बचा है। जब सुनो, जब चिराग बुझता है ना, चिराग बुझता है ना तो जरा बहुत धमकता है, बुझने वाला है, बुझने और हम लोग बुझाएंगे। समाजवादी पार्टी यूपी से मुंबई से लेके हर जगह काफी स्ट्रगल और मेहनत कर रही है, तो हमारी जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करेंगे सब लोग जो है ना, गरीब सब गरीब इकट्ठा हो और किसान मजदूर जितने लोग सब इकट्ठा हो और आकर के हमारा जो अगाड़ी बनी है उसको जिताओ और पूरे महाराष्ट्र में इस अगाड़ी को आगे बढ़ाओ। और सर के लिए, सर के लिए एक शेर हाजिर है कि इरादे पक्के हो तो राहें भी निकल आती है और बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती है। सामान्य मंच और मेरे सभी साथी, मैं अपने शहीद साथियों को याद करते हुए और मेरे जो आज साथी इस गुनहगारी के तूफान और आतंक से 24 घंटे जूझ रहे हैं उनको याद करते हुए, समर्थन करते हुए मैं अपने विचार और अपने मनोगत यहाँ हाजिर करता हूँ। जैसे जानते हैं कि एक सैनिक हूँ, 21 साल देश की सेवा है, 3 बार तो बॉर्डर पे रहे हैं, हमारे गोली में भी कुछ लोगों को बुलावा आया, गोलियों को दोनों आवाज़ की बात का वास्ता देते हुए मैं यहाँ एक पूर्वगामी विचार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। लोहिया जी, जॉर्ज साहब, इन सब के विचारों को मेरे को जो भाई वही दिया और मधु जोशी ने जो तालीम दी है उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर समाज में जो पहले देश में काम किया वो समाज में काम करने के लिए काबिल रहा हूँ। जनता दल सेक्युलर और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो साथ में है, दोनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों के वजह से मैं यहाँ शिरकत और आपके सामने हाजिर हूँ। चर्चा लंबी चौड़ी हो सकती है, कई बड़ों से ये मामला पीछे रह गया था तो इसलिए एक निजी गुरूर और हवा की वजह से ये मुहिम ना रुके, ये आपको मंच पर और आगे मैं सामने पेश करता हूँ। दो बातें सैनिकों का बताता हूँ, नवी मुंबई हमारे लिए अच्छा रहा है, वैयक्तिक मेरे लिए भी अच्छा रहा है और कई सैनिक यहाँ बसेरा करते हैं, नौकरी कहीं भी करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी ये मांग रही है और रहेगी कि सैनिक रिटायर ना हो। रिटायर होना जो है राज्य शासन का विषय है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी यानी स्थानीय स्वयं संस्था में इनका कम से कम आरक्षण रखा जाए, अच्छे पोस्टों पर लिया जाए, क्योंकि जनाब जो सैनिकों का हुनर है, जो काबिलियत है, उसका योगदान इस व्यवस्थापन और एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए ऐसे हमको लगता है और स्वयं रोजगार में आने चाहिए सैनिक। इसी तरह से हमारी मांग है कि स्टॉल दिए जाए सैनिकों को, पार्किंग, मैन पावर, ऐसे कामों में सैनिकों को मौका दिया जाए। सैनिकों का योगदान आपका साथ हमेशा रहेगा और आप इन पुरोगामी विचारों को मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि 2% यदि सैनिक हो गए फिर भी 6% नवी मुंबई ऐसे लोग हैं कि सोच करके जो है अपना मतदान करते हैं, चयन जो है सोच समझ के करते हैं। हम उनके पास पहुंचने का जो गवाही देता हूं और आखिरी तरफ बताता हूं कि कई संगठना है लेकिन हमको साथ चलना है, जो मार्क्स डिवाइडेड एंड फाइट यूनाइटेड। तो मैं आपको एक ही विनती करता हूं, कुछ कैसे भी हो हमला एक साथ करेंगे। जय हिंद। आप एक सैनिक है, आर्मी से आए, आपको अचानक ये राजनीति में आने का या कोई संस्था बनाने का आपका विचार कैसे आया? जनाब ये अचानक नहीं हुआ, 3 पुश्तों की विरासत है। मेरे छोटे दादा जो है जो राष्ट्र सेवा दल के दल प्रमुख रहे, मेरी माँ भी सेवा दल की संघ घटक थी और ये 3रे पुश्त में 4थी पुश्त जो सेना की है, ये इस समाज में इस तरह से कैसी पेश आए? हमारे दादा और बाप के टाइम पर जो है जो सांप्रदायिक है, जो साम्राज्यवाद है, उसको मानते थे, वो सेना का स्वरूप अलग था। आज़ादी के बाद भी कुछ समय लगा कि हमारे टाइम में 2000 के बाद इस शतक में सैनिकों को समझ में आया कि हमारा योगदान जो है, हमारा हुनर जैसे बॉर्डर पर है वैसे समाज में भी योगदान करना हमारा जिम्मेवारी है। कसम ली है, पेंशन लेने के बाद कसम खत्म नहीं हुई, इसलिए जो है हम समाज में है। पिछले 25 साल से पूर्व सैनिकों की सेवा में मैं
जुटा हूँ। हमारी सैनिक संगठन जो है सामान्य राज्य शासन प्राप्त है, केंद्र शासन मान्यता है, और ये 64 से खड़ी हुई संस्था यहाँ 50 साल से महाराष्ट्र में काम कर रही है। सैनिकों का हुनर समाज में लाना और उस बहाने से राजनीतिक सियासती कार्रवाई में जो है उम्दा नेतृत्व देना, उम्दा अहदेदार सरगना देना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। कर्नल साहब, क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। हमारी सेना का जो अपमान हो रहा है आज तक, और जो नेता लोग सेना का कि ये काम किया नहीं, उसका सबूत दिए, ये दीजिए, पहले कभी आपके जब पहले कभी पूछा गया था, यह जो पूछा जा रहा है ये सही है? जनाब, हमारा जमाना अलग था। अब लोग बोलते हैं कि तुम ये 71 वॉर के बाद भर्ती हुए और कारगिल से पहले रिटायर हुए, तो ये लड़ाई हुई नहीं। जनाब, हमारी इज्जत, शिद्दत, कवायद, इससे इतना खौफ था कि जरूरत नहीं की पाकिस्तान में यहाँ चाल करने की। चीनियों को तो वहीं बॉर्डर पे रखा, 87 का मिसाल दे सकता हूँ आपको, जो है बुमला का मिसाल दे सकता हूँ, नाथुला का हिसाब दे सकता हूँ। आज के ज़माने में प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये मौका, ये मंच ये नहीं है। किसी और दिन जरूर आपको मैं साफ करूँगा। सर, आज नवी मुंबई विकास अघाड़ी का फंक्शन रखा गया, जिसमें समाजवादी के वरिष्ठ नेता अबू आदमी जी ने कहा कि हम सबको सेक्युलर रहना चाहिए, हाथ जोड़ के सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी की तरफ से देश बांटने का काम हो रहा है, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, तो अबू आदमी जी के मैसेज का कितना इन्फ्लुएंस नवी मुंबई में रहेगा, आपको क्या लगता है? पक्का रहेगा। पहली बात तो नवी मुंबई में सियासती जो है अवामी दंगे नहीं होते, और इसको कायम रखने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि ये जो ध्रुवीकरण का राज्य है, ध्रुवीकरण की सत्ता है, और जो धार्मिक और जो है जातीयवाद से बांटने वाले सरकार है, उसकी यहाँ हम नींव पड़ने नहीं देंगे। साथ हम इसलिए आए कि हम हैं सेक्युलर, हम साथ काम करेंगे, इंसाफ के खिलाफ, विषमता के खिलाफ काम करेंगे। आपको मैंने अपने भाषण में भी बताया, सन 77 का उदाहरण दिया, उनको पूरा भरोसा था, पूरा देश क्या पब्लिक जो है दुनिया बोलेगी दोबारा चुन के आएंगे, आवाम तो हमारे हाथ में है। लेकिन जयप्रकाश जी ने इसी तरह से सम विचारी, हम ओदा, हम विचार, हम रास्ते के लोगों को साथ लेकर के तानाशाही को ख़त्म कर दिया था। आज भी ऐसी ही ज़रूरत है कि इस जगह की, इस यहाँ की एक अधिकार शाही को जो है चुनौती दे करके मलियामेट करने की ज़रूरत है। इसलिए हम सब साथ में कदम रख रहे हैं। मैंने फिर बोलता हूँ कि जो है कुछ कैसे भी हो, हमारा हल्मा, हमारी हमारा हल्ला जो है एक साथ होगा। सर, जब देश की सैनिकों की बात की जाए तो मोदी जी के बड़े बड़े वादे करते हैं कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि आज के सैनिकों को स्नो बूट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको स्नो सॉक्स नहीं मिलते, उनकी हालत जो देश के बॉर्डर पर है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन मीडिया भी कहीं ना कहीं इसको उतना ज़्यादा तरीके से हाईलाइट नहीं करती है। तो आप भी एक सैनिक रह चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सैनिक मैं आज भी हूँ। ये केंद्र शासन, भारत सरकार के जो हुकूमत हिंदुस्तान के मसले हैं, इस समय मैं राज्य शासन का या महाराष्ट्र का एक कार्यकर्ता हूँ, सैनिकों का कार्यकर्ता हूँ। हमारी संगठन महाराष्ट्र में काम करती है, और वहाँ विषय है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, जो रिटायर होने के बाद पुनर्वसन यकीनन होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा हम आगे ले जाएंगे। लेकिन आज हम विकास आघाड़ी के छत्र में खड़े हैं। ये स्थानीय स्वायत्ता संस्था, ये निजी जो है इस शहर के चीज़ों के बारे में हम खड़े हैं, और मैंने अपने भाषण में भी बताया, इस शहर में हमको जो है पुनर्वसन के लिए स्वयं रोजगार मिले, इस शहर में जो आरक्षण है उसका अमल होए, इस शहर में जो मुश्किल काम है उसमें हमको साथ लें। थैंक यू। सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि जो सैनिक की विधवाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिलता है, उनकी जो बिटिया है, हमारे भारत में कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैं इस समय ये नहीं मानूंगा कि जो हमारे जो वीर नारियां हैं या उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, लड़कियां हैं, वालदेन हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, ऐसे हो नहीं सकता। कोई मिसाल हो तो हमको दे दीजिए। काम नहीं सर, उनका पूरा पुनर्वसन आज भी देख रहा है, सरकार कोई भी हो, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है महाराष्ट्र में या देश में कि यो वीर पत्नियों के तरफ जो है नज़रअंदाज करें। तो इसलिए अगर ऐसा कोई मसला है तो आप बता दीजिए, किसी निजी किसी वजह से ना इंसाफ हुआ है, हम उसको पूरा इंसाफ दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।